ए आकाशवाणी जलंधर है। हुण तुसीं अमन देव तों खबरां सुनो। केंद्र ने रसोई गैस दीआं कीमतां च 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती कीती है। उज्ज्वला स्कीम दे लाभपात्रां नूं समुचे तौर ते प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सबसिडी मिलेगी। समाज के वख-वख वर्गों खास तौर ते औरतां ने इस फैसले का भरवां स्वागत कीता है। सरकार 5000 करोड़ रुपए के कुल खर्च नाल फार्मामेड सैक्टर च खोज ते नवीं पहलकदमियां नूं उत्साहित करन लई छेती ही एक नवी स्कीम शुरू करेगी। चंद्रयान 3 दे प्रज्ञान रोवर ने चंद की सतह उपर दक्षिणी ध्रुव नेड़े सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। रखड़ी का त्यौहार देश के वख-वख हिस्सों च अज ते भल के मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने रखड़ी के मौके ते देशवासियों नूं वधाई दित्ती है। सरकार देश विच एक साल अंदर 1000 खेलो इंडिया सेंटर कायम करेगी। सरकार ने सारे खपतकारां लई घरेलू रसोई गैस दे सिलंडर च 200 रुपए प्रति सिलंडर की कमी करने का फैसला किया है। इस संबंधी फैसला कल नवी दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक मीटिंग च लिया गया। मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कटौती प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तहत दित्ती जांदी 200 रुपए प्रति सिलंडर की सबसिडी तों इलावा है। इस तरह हुण उज्ज्वला लाभपात्रां नूं एलपीजी सिलंडर उपर 400 रुपए का फायदा होगा। भारत सरकार वलों घरेलू रसोई गैस सिलंडर दीआं कीमतां विच कीती 200 रुपए की कटौती अते उज्ज्वला योजना तहत 75 लाख नवे गैस कनैक्शन मुफ्त देण दा समाज दे वख-वख वर्गां ने खास तौर ते औरतां ने भरवां स्वागत कीता है। जलंधर विच आकाशवाणी न्यूज नाल गल्लबात करदिआं भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर आगू ते साबका मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज दे हर वर्ग नूं इह तोहफा दित्ता है। बीजेपी के सूबा मीत प्रधान राकेश राठौर ने कहा कि मोदी सरकार का हर फैसला लोक पक्षी रहा है। उन्हें पंजाब सरकार तो भी डीजल ते पेट्रोल ते वैट विच राहत देने की मांग की। इस तरह साबका पार्लियामेंटी सकत्र ते बीजेपी आगू केडी भंडारी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय सभ्याचार ते लोकां दीआं भावनावां दा पूरा ध्यान रख के फैसले करती है अते त्यौहारां मौके दिता गया तोहफा इसका सबूत है। होरना लोकां ने भी इस कटौती ते खुशी प्रगटाई अते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्नवाद किया। एलपीजी दीआं कीमतां च कटौती ते प्रतिक्रम दिंदे हुए आर्थिक माहिर शरद कोहली ने कहा कि यह कदम लोकां लई वड्डी राहत वजों आया है। उन्होंने इस नूं रखड़ी दे त्यौहार तों पहलां एक स्वागत योग कदम दस्या। उज्ज्वला योजना हवा दे प्रदूषण नूं घटाउण अते गरीब परिवारां विच साफ सुथरे ईंधन दी सफाई स्थाई वरतों अते कार्बन निकासी नूं रोकण वाला एक वड्डा कदम है। राज्यसभा मैंबर बीजेपी भाजपा दे ओबीसी मोर्चा दे प्रधान डॉ के लक्ष्मण ने घरेलू एलपीजी सिलंडर की कीमत घटाउण लई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष तौर ते औरतां ते आम आदमी नूं लाभ पहुंचाउण लई धन्नवाद किया। आकाशवाणी के पत्रकार नाल गल्लबात करदिआं उन्होंने कहा कि श्री मोदी की अगवाई वाली सरकार औरतां की भलाई प्रति वचनबद्ध है। इस तरह के विचारां दा प्रगटावा करदे हुए जेएनयू के स्कूल आफ एनवायरमेंटल साइंसिस के प्रोफेसर पीके जोशी ने वातावरण संभाल विच इस योजना नूं महत्वपूर्ण करार दिता। आकाशवाणी ने उज्ज्वला योजना के कुछ लाभपात्रियों नाल भी गल की जिन्होंने सरकार के इस कदम की शलाघा की। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की एक औरत शीतल चुरड़िया इस फैसले से खुश ने। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले नाल उन्होंने घरेलू खर्चों का बोझ घटेगा। रसायणा ते खादां बारे केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार छेती ही दवाईयां दे खेत्र विच खोज अते नवीयां काढ़ां नूं उत्साहित करन लई फार्मामेड सैक्टर विच कुल 5000 करोड़ रुपए की एक नवी योजना शुरू करेगी। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 तों 2027-28 तक 5 सालां दी म्याद लई इस योजना नूं अपनी मंजूरी दित्ती सी। उन्हां अगे कहा कि इस स्कीम दा उद्देश देश विच खोज दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करके भारतीय फार्मामेड टैक सैक्टर नूं लागत आधारित मुकाबलेबाजी तों नवीयां काढ़ां आधारित विकास विच बदलना है। इस स्कीम लई रखे गए 5000 करोड़ रुपए विचों 700 करोड़ रुपए मोहाली अहमदाबाद हैदराबाद अते कोलकाता समेत खेत्रां विच स्थित 7 मौजूदा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विच सेंटर आफ एक्सीलेंस राहीं खोज ते बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई होणगे। भारतीय पुलाड़ खोज संस्था इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर दे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने दक्षिणी ध्रुव नेड़े चंद की सतह ते सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट च इसरो ने कहा है कि रोवर दे स्पेक्ट्रोस्कोप ने एलुमीनियम कैल्शियम फेरियस पाव आयरन क्रोनियम टाइटेनियम मैगनीज सिलीकोन ते ऑक्सीजन का भी पता लाया है।
इस विच अगे कहा गया है कि हाइड्रोजन की भाल जारी है। भारत ने 23 अगस्त नूं चंद के दक्षणी ध्रुव ते पहुंच के इतिहास रचिया सी। भारत की G20 प्रधानगी तहत आकाशवाणी जलंधर पलके 31 अगस्त नूं लोक कलावां मेले का आयोजन करवा रहा है। यह समारोह HMV कालेज के रागनी आडिटोरियम विच सवेरे 11 बजे शुरू होगा। इस विच हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर हब्बी, जम्मू के रोमालो राम, छत्तीसगढ़ के दसरू राम ते उन्हां दे साथियों दी टीमां समेत कई होर कलाकार आपो अपनी कला के रंग बिखेरनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी दे संपूर्णता दिवस की लोगों नूं वधाई दित्ती है। सोशल मीडिया ते अज अपने सुनेहे विच उन्हां कहा कि यह पवित्र दिहाड़ा साडे जीवन नूं श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी दे इलाही ज्ञान नाल भरपूर करे, जिहड़ा सानूं मनुखता की बेहतर सेवा करन लई सेध दे सकदा है। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी जलंधर तों सुन रहे हो। रखड़ी दा त्यौहार अज अते कल देश दे वख-वख हिस्सें विच मनाया जा रहा है। इस मौके भैणा अपने भरावां दे गुट ते रखड़ी बांधदियां ने ते उन्हां दी खुशहाली ते चंगी सेहत ते तंदरुस्ती दी कामना करदियां ने। बदले विच भरा अपनियां भैणां दी रक्षा करन दा वादा करदे ने ते उन्हां नूं तोहफे दिंदे ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके ते लोकां नूं वधाई दित्ती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश विच कहा कि रखड़ी दा त्यौहार भैण भरा दे प्यार दा प्रतीक है। राष्ट्रपति ने आस प्रगट कीती कि प्यार अते विश्वास दा यह त्यौहार समाज विच सद्भावना दी भावना दे नाल नाल औरतां दे सन्मान विच वाधा करेगा। अपने संदेश विच उप राष्ट्रपति धनखड़ ने लोगों नूं अपील कीती कि ओ नारी शक्ति दे नाल खड़े होण दा संकल्प करन, क्योंकि ओ भारत नूं होर महानता वल लै जाण लई वचनबद्ध ने। उन्हां आस प्रगटाई कि यह त्यौहार सारयां दे जीवन विच खुशियां लै के आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों नूं समाज विच प्यार, विश्वास अते सद्भावना दी भावना नाल रखड़ी दा त्यौहार मनाउण दी अपील कीती है। अपने संदेश विच श्री मोदी ने कहा कि भैण अते भरा दे अटुट विश्वास अते अथाह प्यार नूं समर्पित रखड़ी दा शुभ त्यौहार भारतीय सभ्याचार दा एक पवित्र प्रगटावा है। अज स्कूली विद्यार्थियों ने श्री मोदी नूं उन्हां दी रिहायश ते रखड़ी बन्नी। जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोगों नूं रखड़ी दे मौके ते वधाई दित्ती है। रखड़ी दे त्यौहार ते मुसाफरां दी सहूलत लई दिल्ली मैट्रो अज अपने रूटां ते 100 तों वाधू रेल गड्डियां चलाएगी। वाधू टिकट काउंटर चला के मुसाफरां दी भीड़ नूं कंट्रोल करन लई स्टेशनां ते वाधू मुलाजम भी तैनात कीते जाणगे। DMRC ने भीड़ नूं घटाउण लई सेवावां वास्ते होर रेल गड्डियां भी तैयार रखियां ने। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते BSF दे गुरदासपुर सैक्टर अधीन अमृतसर जिले विच BOP कमालपुर जट्टां ते तैनात जवानां ने कंडियाली तारों पार 12 वोल्ट बैटरी च लुका के रखी हैरोइन दे 6 पैकेट बरामद कीते ने। BSF दे अधिकारियों अनुसार गुप्त सूचना तहत BSF दी 27वीं बटालियन हैडक्वार्टर शिकार माशियां दी BOP कमालपुर जट्टां दे जवानां ने सांझे आपरेशन दौरान पिलर नंबर 29 ते 30 विचकार पौल मुहिम शुरू कीती ते जद खेतां विचों इह नशीला पदार्थ बरामद होया। मामले की अगलेरी जांच जारी है। नौजवान मामलों ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐलान किया कि देश विच एक साल के अंदर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कल राष्ट्रीय खेड दिवस मौके नवी दिल्ली विच भारतीय खेडां बारे अहम पहलकदमियां की शुरूआत करदिआं मंत्री ने कहा कि यह न सिर्फ साबका अथलीटां नूं रोजगार के मौके प्रदान करनगे, सगों उभरदे खिडारियों नूं भी साबका खिडारियों तों सेध लैण दा मौका देणगे। देश के खिडारियों की शलाघा करदिआं उन्होंने कहा कि भारत ने 60 सालों के मुकाबले विच इस बार विश्व यूनीवर्सिटी खेडां विच वध तमगे जीते ने। श्री ठाकुर ने हाल विच ही हुए शतरंज विश्व कप विच शानदार प्रदर्शन लई 18 साल प्रगनानंद की भी शलाघा की। एशिया कप 2023 टूरनामेंट अज तों पाकिस्तान ते श्रीलंका च 4 स्थानां ते शुरू हो रहा है। अंत विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर सुन लो। केंद्र ने रसोई गैस दीआं कीमतां च 200 रूपये प्रति सिलंडर की कटौती की है। उज्ज्वला स्कीम के लाभपात्रां नूं समुचे तौर पर प्रति सिलंडर 400 रूपये की सबसिडी मिलेगी। समाज के वख-वख वर्गों खास तौर पर औरतों ने इस फैसले का भरवां स्वागत किया है। सरकार 5000 करोड़ रूपये के कुल खर्च नाल फार्मा मेड सैक्टर च खोज के नवीं पहलकदमियों नूं उत्साहित करने लई छेती एक नवी स्कीम शुरू करेगी। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद की सतह उपर दक्षणी ध्रुव नेड़े सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। अज ते कल रखड़ी का त्यौहार देश भर मनाया जा रहा है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है।